पंचकुला में तालाब में नहाने गए पांच दोस्तों में से दो दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू कर दिया। हालांकि देर रात अंधेरा होने की वजह से दोनों युवकों को ढूंढा नहीं जा सका, लेकिन सुबह पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम के साथ दोनों युवकों के शवों को तालाब से बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को पंचकुला स्थित मोरनी के समीप जंगल में तालाब में पांच दोस्त नहाने गए थे, जिसमें से दो की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक युवक को उसके दोस्तों ने बचा लिया। ये मामला ऐसा है, कल शाम करीब 5 बजे हमें सूचना मिली कि नाडा साहब जंगल में करीब अंदर 7-8 किलोमीटर अंदर एक डैम है, डैम नंबर 9 फॉरेस्ट विभाग का डैम है। उसमें पांच बच्चे नहाने गए थे, जिनमें से वहाँ पैर फिसलकर दो बच्चों की मौत हो गई है डूबकर, और बाकी तीन बच्चों ने हमें सूचना दी कि हमारे दोस्त डूब गया। जो इस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे थे, जो वहाँ रात अंधेरा हो चुका था, जिस कारण वहाँ बच्चों की तलाश ना की जा सकी, जो आज सुबह एनडीआरएफ की टीम बुलाकर उनकी सहायता से दोनों बच्चों की बॉडी को निकाला है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सर, मरने वालों की क्या क्या उम्र है और क्या क्या नाम है और क्या क्या काम करते हैं? बच्चा एक इरफान है, उम्र है उसकी 18 साल, ये रामपुर जंगी का है और जो आजकल अपने मामा के पास मनीमाजरा में रह रहा था। ये दोनों अपना दोनों बच्चे पढ़ते हैं। एक प्रिंस है, उम्र है 20 साल, जो खटोली गाँव का रहने वाला है। तो बाकी तीनों को अभी जाने दिया? अभी हाँ जी, बाकी तीनों अपने अभी वो डरे हुए हैं थोड़ा। मृतकों की पहचान 18 साल के इरफान निवासी मनीमाजरा और 18 साल का प्रिंस निवासी रामगढ़ पंचकुला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है नहाते वक्त अचानक से दोनों का पैर फिसल गया, जिसके बाद दोनों तालाब में डूब गए और जान चली गई। पंचकुला से उमंग शोरान, पंजाब के सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।